हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं द ऑल न्यू मारुति ब्रेजा 2022 फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में। और ये गाड़ी हमारे शहर पटौदी में लॉन्च हुई है, तो इसी दौरान कुछ कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो लेने की कोशिश की है, वो आप लोगों के सामने है कि किसको ये गाड़ी कैसी लगी और किस तरह से लोग भाई इस गाड़ी का आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। तो भाई जो गाड़ी का लॉन्च है वो हमारे शहर पटौदी में हुआ था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन आप जानते हैं कि गांव का माहौल है तो कई सारे लोग तो भाई कैमरे पे बोलने से ही मना कर देते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने भी अपनी राय, अपना रिव्यू देने की बात कही, उनसे हमने पूछा कि उनको गाड़ी कैसी लगी और उन्होंने क्या कुछ बताया, वो आप लोगों के सामने है। तो सर ने भी अभी गाड़ी देखी है, सर से भी पूछते हैं कि उनको कैसे लगी। तो सर आपको गाड़ी कैसे लगी? आप बैठे हैं गाड़ी में, आप बाहर से भी देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, तो फीचर्स जो हैं वो कैसे लगे सर आपको? बढ़िया फीचर इनके, ज़्यादातर मारुति की गाड़ी रखता हूँ अपने पास जी। ये गाड़ी बढ़िया लगी मेरे को। अब मेरे पास दो CNG वैगनार है जी, इसमें भी CNG हो जाए तो बढ़िया बात रहे। हाँ, वो आने वाली है सर, न्यूज़ है कि आएगी इसमें भी CNG, लेकिन कब आएगी वो अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है। ठीक है, वैसे गाड़ी बढ़िया है, लुकिंग में बढ़िया है, अच्छी फीचर है, अच्छी सीटिंग है, अच्छी खुली गाड़ी है। वो सबसे बड़ी बात तो ना, ये टेक्नोलॉजी जो हम मतलब 20 लाख रुपए से ऊपर वाली गाड़ी में देखते थे, आज ये इस 15 लाख से नीचे वाली गाड़ियों में, जो कि मीडियम फैमिली के लिए बहुत ही वो है, जो उनके ड्रीम है ना, वो 10 से 9 से 12-15 के बीच में पूरे हो जाएंगे, जो कि एक अभी जो नई नई गाड़ियाँ आ रही है वो मीडियम 12-15 तक की आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये गाड़ियों में एक मीडियम फैमिली के फीचर पूरे होते हैं। आज सभी को चाहिए सनरूफ, अपनी छोटी फैमिली को, बच्चा ऊपर निकले वो करें, तो उसके एम एम्बिशन पूरी होती है। और इसमें जैसे वायरलेस चार्जिंग का बहुत अच्छा लगा, वायर का ब्रेक गियर में फंसता है वायर वगैरह इस तरह से ना, और तुम्हारा जो हेड का ये बहुत अच्छा है, नीचे देखने हेड ऑफ डिस्प्ले है। अब उसमें ड्राइवर की उसकी नजर भी आगे रोड पे रहेगी और इसमें देखने की जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल एक्सीडेंट का वो सिस्टम कम हो गया इस गाड़ी जी। और दूसरा जो ये आपका ये 360 कैमरा है, इट्स अमेजिंग। और हाँ बिल्कुल, गाड़ी के चारों तरफ दिख जाता है, गाड़ी के चारों तरफ देख सकते हैं, कोई एक्सीडेंटल है, कई बार ऐसा हुआ है आगे बच्चा पीछे खड़ा है और वो चला देते हैं और बच्चा कई बार एक्सीडेंटल हुआ भी है, ये रियल केस हुआ है। तो ये अच्छी फीचर है। तो हमारी बैठने में कंफर्ट वगैरह सर कैसा लगा? काफी कंफर्ट, बहुत अच्छा कंफर्ट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो भाई मारुति ब्रेजा तो लॉन्च हुई है, लेकिन छोटे बच्चों को भी यार गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। अब आपके सामने भाई साहब हैं, छोटे से बच्चे हैं, लेकिन फिर भी कभी सनरूफ में से निकल के देख रहे हैं, कभी स्टेयरिंग पकड़ के देख रहे हैं, और पूरा जो एंजॉय है वो यहाँ पे ले रहे हैं मारुति ब्रेजा का। तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनको ये गाड़ी कैसी लगी। तो मास्टर आपको गाड़ी कैसी लगी? मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिन फीचर्स की हमें ज़रूरत थी वो सारे मारुति ने डाल दिए हैं, और यह गाड़ी बहुत अच्छी है। इसके अंदर सारे फीचर मिल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल, 360 कैमरा, और जो इसका कंफर्ट है वो है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस गाड़ी का बहुत क्रेज़ था, पहले भी हमारे पास थी, हमने पहले भी बुकिंग लगाई हुई है। मुझे यह गाड़ी बहुत अच्छी लगती है और मुझे इसे लेने का बहुत क्रेज़ है। तब आप देख सकते हो कि छोटे से बच्चे को मतलब गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आजकल हर आदमी देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी गाड़ियों को देख रहे हैं और गाड़ियों के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज वो ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि क्रूज कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो भी इनको पता है। और इनको भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। तो आपने ब्रेजा की बुकिंग की हुई है? हाँ जी। तो कब मिलेगी आपकी नई वाली लेंगे आप? तो हाँ जी। तो कब तक मिल जाएगी? दिस मंथ, इस महीने में। चलो बहुत बढ़िया है, फिर तो पूरे मजे लेना। लेकिन आप चला तो नहीं सकते अभी, चलाना मत नहीं। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता जब तक आप चलाना नहीं। बाकी एंजॉय लो, पापा के साथ गाड़ी में खूब घूमो, ठीक है? बढ़िया है ना गाड़ी? तो हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि अच्छी नहीं लगी, ये नहीं लगी, जबरदस्ती बोल रहे हो? नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साहब से एक बार पता करते हैं कि इनको गाड़ी कैसी लगी, क्योंकि इन्होंने भी अभी अभी गाड़ी को देखा है भाई। तो सर आपको गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी बहुत अच्छी लगी, और मारुति कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है, और ये संजय गांधी का सपना भी था हमारे पूरे भारत में हर नागरिक के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, वो सपना
साकार होता जा रहा है मारुति की तरफ से। हाँ, मारुति काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, सभी कंपनियों से सबसे ऊपर है मारुति आज के दिन, और इनकी जो मेंटेनेंस खर्च तो जो फीचर वगैरह हैं सर गाड़ी में वो आपको कैसे क्या लगे? अच्छे हैं फीचर, अच्छा स्पेस है, पीछे की सीट पे बैठ के देखा आपने? हाँ देखा है। कैसा क्या लगा, तीन आदमी बैठ सकते हैं या? कंफर्टेबल है, अच्छी है। और जो मारुति ने सनरूफ दे दी, आपको क्या लगता है कि सनरूफ हमारे एरिया में या मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो कितनी कारगर है, कितनी ज़रूरत है सनरूफ की हमें? ज़रूरत तो है ही बच्चों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बड़ों को तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्राइसिंग रखी है 7,99,000 से लेके और 15 लाख तक समथिंग जाती है, तो वो आपको कैसे क्या लगी, ज़्यादा है या ठीक है प्राइस? नहीं, प्राइस ठीक है, मारुति और जो कंपनी है उनसे काफ़ी ठीक है। ठीक है, क्रेटा है, किया है, वो इनसे महंगी है। हाँ वो खैर थोड़ी बड़ी गाड़ी भी है वैसे, बेस मॉडल उनका इनसे महंगा है। हाँ वो तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो भाई यही था आज का छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।